कमरे की दीवार पर खून से लिखा फोन नंबर, बिस्तर पर बिखरा खून और इन सब का गवाह एक 4 साल का मासूम। तस्वीरें बता रही हैं कि हरिद्वार के रामघाट पर मौजूद टोपिया वाली धर्मशाला के 14 नंबर कमरे में कुछ ऐसा हुआ था जिस पर यकीन करना मुश्किल है। बताया जा रहा है कि कमरे में खून से जो नंबर लिखे गए हैं, इस 4 साल के बच्चे की माँ ने लिखे हैं। दीवारों पर ये फोन नंबर लिखने के बाद वो इस बच्चे को कमरे में बंद करके कहाँ चली गई, इसका किसी को पता नहीं। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली ऋतु नाम की महिला रविवार को राकेश नाम के शख्स और अपने 4 साल के बच्चे को लेकर हरिद्वार की इसी धर्मशाला पहुंची थी। दोनों ने आपसी रिश्ता पति पत्नी का बताया था। कमरा लेने के अगले ही दिन सुबह 11:30 बजे राकेश और ऋतु बाहर निकले तो फिर लौट कर नहीं आए। 4 घंटे बाद जब मैनेजर ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उसने कमरे का दरवाजा खुलवाया, फिर सामने जो नजारा था वो रोंगटे खड़े करने वाला था। 4 साल का बच्चा रो रहा था और पूरे कमरे में खून के निशान थे। दीवारों पर खून से ही कुछ नाम और नंबर लिखे थे। सुबह 11:30 बजे तौलिया दिया हाथ में, हम यहाँ भी दोनों निकल गए, बच्चे को अंदर छोड़ गए और हमने कहा तौलिया में लेकर नहाने गए आ जाएंगे। हमको तो 3:30 बजे जब बच्चा रोया है उसने अंदर से दरवाज़ा पीटा है तब हमने कुंडी खोली है तो बच्चा भूख से बिलख रहा था। हमने यही सोचा था कि यार ये बच्चे को छोड़ गए हैं अभी आ जाते हैं। जब 4:30-5 बजे तक कोई नहीं आया उसके बाद हमने कतवाली में फ़ोन किया और इंस्पेक्टर साहब आए। दीवारों पर लिखे नंबर पर जब पुलिस ने कॉल किया तो कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस को पता चला कि महिला की शादी झज्जर में हुई थी और वो 3 महीने पहले बच्चे को लेकर घर से फरार हो गई थी। महिला ने दीवार पर 2 लोगों के नाम लिखे थे, ऋतु और राकेश। बताया जा रहा है कि ऋतु उसी महिला का नाम है और राकेश उसके प्रेमी का। इसके अलावा दीवार पर लिखे नंबरों में महिला के पिता का फोन नंबर भी है। जो नंबर वहाँ मिले हैं उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने ये हमें बताया है कि हाँ ये ऋतु नाम की लड़की महिला अपने बच्चे के साथ 3 महीने से गायब है और इसकी शादी झज्जर में कहीं हुई थी और ये अपने बच्चे के साथ गायब थी। हमने इसके परिजनों को सूचित कर दिया है, वो लोग आ रहे हैं, इसकी झज्जर में गुमसुम की इत्यादि लिखी है, अंदर खून के दाग हैं, उनकी जाँच की जा रही है। ये लगता है कि ये किसी के साथ चली आई थी और इसको लगा कि बच्चे को साथ रखना मुश्किल हो रहा है इसीलिए बच्चे को छोड़ के चली गई है। पुलिस को शक है कि महिला बच्चे को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई, लेकिन इस कहानी में कुछ सवाल है जिसके जवाब जरूरी है। पहला ये कि अगर महिला भागी है तो कमरे में इतना खून कहां से आया। पुलिस का दावा है कि बच्चे ने बताया कि प्रेमी ने ही उस महिला का हाथ काटा था। ऐसे में सवाल ये भी है कि जब दोनों को साथ भागना ही था तो फिर प्रेमी ने उसका हाथ क्यों काटा। इस पूरी प्रेम कहानी में अभी कई पेज है जो तभी सुलझ सकते हैं जब महिला या उसके प्रेमी के ठिकाने का पता चले। फिलहाल पुलिस बच्चे को उसके नाना नानी के पास भेजने की तैयारी कर रही है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।